started popping to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको अपने रिंग नेक का सेटअप विज़िट करवाता हूँ। यहाँ पर हमारा रिंग नेक का सेटअप लगा हुआ है। इसमें मुख्तलिफ मोटिशने हैं, मुख्तलिफ कलर हैं। इसमें हमारे पास तकरीबन माशाल्लाह 100 प्लस पेयर होंगे रिंग नेक के, मुख्तलिफ कलर। मैं भी आपको केज के अंदर से भी विज़िट करवाता हूँ। यहाँ से ये अंदर जाने का रास्ता है। इनके सब बॉक्सेस जो हैं वो हमने गैलरी में लगाए हुए हैं, ताकि इनके अंडे बच्चे वगैरह चेक करने में आसानी हो। इसी तरह से ये इसे आगे वाले शेड है, वहाँ पर भी आपको ले चलता हूँ। इसमें भी हमारे सारे रिंग नेक ही लगे हुए हैं, ये कह दीजिए। और यहाँ पर ये दूसरा शेड शुरू हो जाता है, इसके अंदर चलते हैं। हमारे जितने भी शेड बने हुए हैं उसमें हमने कुछ किया है कि बॉक्स किसी का भी अंदर ना हो, तमाम के बॉक्सेस बाहर हों, ताकि जब भी हम अंडे वगैरह चेक करें तो पेयर वगैरह डिस्टर्ब ना हो। कुछ शेड हमारी ये अब एक साइड पर है, आगे वो दिखा देता हूँ आपको। पहले ये साइड से दिखा देता हूँ, अंदर ये चलता हूँ। यहाँ पर आपको ये कुछ केजी हमारे बड़े केजीज हैं ये वाले। यहाँ पर भी हमने मुख्तलिफ मशीनें रखी हुई हैं, वो दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले तो आपको ये पेयर दिखाता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि जितने भी हमारे पास मुख्तलिफ मशीनें हैं वो दिखा सकूँ। हमारे पास वैलेट के पेयर हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वैलेट के पेयर। माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी तादाद में वैलेट के पेयर लगे हुए हैं। इन्हें हम सुबह फर्स्ट टाइम में हम इन्हें चने रात को भिगो के रखते हैं, वो भी दे रहे हैं, लोबिया भी दे रहे हैं। इसके अलावा हम इन्हें मिक्सदाना देते हैं, ज़बरदस्त बीजेस का बना हुआ, अच्छे बीजेस का। और इसके अलावा जो हम इन्हें दे रहे हैं वो हैं फ्रूट। आजकल अमरूद सेब की मौसम है तो वो इन्हें दे रहे हैं।
हमने आजकल काफ़ी मोटिशनों पे काम शुरू किया है, कोशिश की है कि मुख्तलिफ मोटिशने रखें आम रिंग नेक की बजाय। कलर मुख्तलिफ और अच्छे और काफ़ी रिंग नेक रखे हुए हैं, इनके हम अंडे उठाकर अपने ग्रीन रिंग नेक के नीचे रख लेते हैं, फॉस्टिंग का काम ले रहे हैं हमसे। आपको ये एक और मैं वेरिट का पेड़ दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह ये हमारा ब्रीडर पेड़। योकलाइन वैलेट का पेयर है हमारा। इसलिए ये है कि आप आजकल मुख्तलिफ विटामिन आए हुए हैं, आप कोई अच्छा विटामिन लें, जैसे ही अब सीज़न शुरू होने वाला है तो इनको विटामिन का इस्तेमाल कराएं। इसके अलावा आप इन्हें दे सकते हैं अंडा बॉयल करके, लाजमी देना चाहिए, अंडे इनके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। और जैसे ही बेरी के मौसम आए उसमें आप इन्हें दे दें, वो इनके लिए नहायत ही शानदार है। हमारे पास इंडियन रोज रिंग नेक की बहुत बड़ी वैरायटी है जो कि मुख्तलिफ कलर पर है। आजकल वाइट हेड, वाइट टेल, येलो हेड, क्लियर टेल और मुख्तलिफ आजकल आप भी अपनी खुद ही मोटिशने तैयार कर सकते हैं। आप थोड़ी सी तवज्जो देकर मुख्तलिफ कलरों को आपस में क्रॉस करा के जब आप इसमें दिलचस्पी लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कलर को किस कलर से मिलाने से आप एक नई म्यूटेशन तैयार कर सकते हैं। फिर शुरू में जब हमने काम शुरू किया था तो हमने येलो, वाइट, ब्लू और आम रिंग नेक रखे थे शुरू शुरू में, और फिर बाद में हमने उन्हें क्रॉस करा के म्यूटेशनें तैयार की। इनके लिए बहुत ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ मैंने देखी है वो आप इन्हें मकाई का छिट्टा दें, इसके अलावा बेर और सेब, अमरूद, लेकिन जो मकाई का छिट्टा और बेरी है ये इनके लिए सीज़न में नहायत ही शानदार है। आपको अच्छी ब्रीड लेने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं ये जब आप इन्हें देते हैं। इसका मैंने बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट पाया है। ये माशाल्लाह हमारे घर की जो है ये ब्रीड है, हमने इन्हें मुख्तलिफ कलर को मिक्स कर दिए, आप देख सकते हैं कि इनको मिला के हमने ये मोटी चीज तैयार की है। हमारे पास काफ़ी तादाद है जो कि हमने मुख्तलिफ कलर तैयार किए हैं, माशाल्लाह मुख्तलिफ मोटिशन है।
हमारे पास रिंग नेक के काफ़ी फीमेल ने अभी से ही बॉक्स में जाना शुरू कर दी है। पिछले सीज़न में भी हमने कोशिश की अपने इन मोटिवेशन की ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड लेने के लिए, हमने इनके अंडे उठाकर अपने आम ग्रीन रिंग नेक के नीचे रखे और उन्हीं के नीचे से हमने बच्चे निकलवाए। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि इस तरह आपके पास एक ज़्यादा ब्रीड आ जाती है, क्योंकि फीमेल जैसी अंडे देके निकलती है और अगर आप वो अंडे आम रिंग नेक के नीचे रख के उनके ब्रीड ले लेते हैं तो इस तरह आपकी मेल दोबारा जल्द अंडों पर आ जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके बच्चे इन्हीं के नीचे से निकलवा लें और फीड जो है वो आप हैंड फीड के बजाय आम रिंग नेक के नीचे रख के उनसे करवा लें और उन बच्चों को आप हैंड फीड पर ले आएं। ये भी सबसे बेहतर है तरीका ज़्यादा ब्रीड लेने का, ज़्यादा अच्छी ब्रीड लेने का। आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड आया हुआ है कि आप इनके एग्स भी सेल कर सकते हैं, मुख्तलिफ खरीदार लोग आए हुए हैं आजकल जो फर्टाइल एग्स चेक करके आपको एक अच्छे अमाउंट देते हैं और आप बेहतर है कि उन्हें एग को भी सेल कर सकते हैं अगर आप ब्रीड लेना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो तो। आपको इससे मज़ीद आगे वाले केज में लिए चलता हूँ, वहाँ चलकर आपको दिखाता हूँ मज़ीद। ये भी माशाल्लाह हमारा ऑफलाइन का एक पेयर आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये ब्रीडर पेयर है। इस बार इसके हमारे पास दूसरी ब्रीड आएगी, बहुत ज़बरदस्त पेयर है। हमने ये पिछले साल अपने फार्म में लगाया था और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा सीज़न रहा हमारा। माशाल्लाह येलो के भी काफ़ी पेयर लगे हुए हैं, येलो हमारा ब्रीडर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सीज़न रहा है हमारे पास। मैं ये दिखा देता हूँ आपको, हमारे पास येलो के काफ़ी पेयर हैं यहाँ भी और इधर आगे आते हैं तो इधर नीचे और यहाँ ऊपर भी, इसी तरह से मुख्तलिफ केजेस में हमारे पास ये काफ़ी तादाद में। आप मवेशियों लगाते हैं तो इसके लिए ये है कि आप दो तीन तरीके हैं ज़्यादा ब्रीड लेने के। एक तो यही है जो मैं बता चुका हूँ कि आप इनके एग उठाकर आप आम रिंग नेक के नीचे रखें और इनके ग्रीन रिंग नेक के नीचे ले जाएं और वहाँ से आप इनके बच्चे निकलवा लें या इनके बच्चे निकलवा कर उनके नीचे आप पलवा लें। और दूसरा तरीका यही है कि आप इनके एग्स उठाएँ और अच्छे इनकोबेटर मशीन है तो उसके अंदर रख के भी आप बच्चे निकलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको हैंड फीड करानी आती हो और आप उन्हें इतना टाइम दे सकें कि आप उन्हें हैंड फीड करा सकें, तब आप इनकोबेटर का इस्तेमाल करें। आज मैंने कोशिश की है कि आपको अपने फार्म पर जो मुख्तलिफ कलर हैं, जो मुख्तलिफ मोटिफ हैं, आज वो आपको मैं दिखा सकूं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुख्तलिफ कलर। रिंग नेक की ब्रीड लेना नहायत ही आसान है और हमने जो इनकी ब्रीड ली है इसके लिए वैसे कम से कम भी अगर आप छोटे से छोटा भी केज 2x2 का लगा के बाहर बॉक्स लगाते तो आप ले सकते हैं,
लेकिन इसके लिए ये होता है कि ऑफ सीजन में फिर आपको इनको फ्लाइंग वाली जगह पे छोड़ना पड़ता है। जैसे हमने ये तकरीबन 6 फीट लेंथ का ये हमारा केज है, इसमें लेफ्ट राइट जो है ये तकरीबन 4 फीट और ऊंचाई भी इसकी 4 फीट है। इसमें हमने डबल सीट लगाई हुई है कि फ्लाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो बॉक्स है वो हमने केज के बाहर लगाया है ताकि इसे चेक करना आसान हो जाए। इसी तरह से इसे हम अगर अंदर फीमेल बैठी अंडों पे तो इसे हटाकर इसे हम खोल के आसानी से हम चेक कर लेते हैं, इसलिए बॉक्स बाहर लगाए हैं। दूसरा जो है ये केज के अंदर से ही हमने ये आने की जगह रखी हुई है, यहाँ से इसे बैठ कर तो ये खोल के अंदर आ जाते हैं। और इस तरह से ये होता है कि आपका बर्ड डिस्टर्ब नहीं होता। इसकी फीमेल है वो मुकम्मल फ्रीज पर है, मैं दिखा देता हूँ क्लोज करके। इधर फ्रीज पर आई हुई है, जैसे कंप्लीट होगी अब सीजन तकरीबन 2 से 3 माह के बाद इनके एक्स्ट्रा सीज़न शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए ये भी है कि आप तौर पर ख्याल रखें, जहाँ पर आपने इनके एक बार केजीज बॉक्सेज लगा दी हैं इनकी जगह अगर चेंज नहीं करेंगे तो फिर आप इनकी ज़्यादा अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। ये है कि ये आपका ब्रीडर जो है फिर नेक्स्ट ईयर में ये है कि ये जल्द अर्ली ब्रीड पर आ जाता है अगर आप इनकी जगह चेंज नहीं करते। तो 2 मुख्तलिफ कलर के क्रॉस से ये हमने एक नया कलर देखे हैं तकरीबन वाइट, और ये कलियों में वाइट आया है। इसमें हमारे पास जो फीमेल थी वो वाइट थी और मेल हमारा ब्लू कलर का था, उससे हमें ये रिज़ल्ट मिला है। हेड वाइट, इसके का कलर डबल शेड में है, इसे हमने ये मेल दिया हुआ है। इसके पिछले सीजन में भी अच्छा ही चल रहा है हमारे पेयर का, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहा। साथ ही आज की वीडियो का भी यहाँ पर इख्तिताम करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जाने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को पुश कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। इस वक्त तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।